तो चैप्टर नंबर 3 में बेटा सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने x और y मतलब हमारी दो इक्वेशंस बनती है, ठीक है, उसमें हमने x और y की वैल्यूज को निकालना था। अब ये मतलब इन शॉर्ट मैंने सॉल्व करनी होती है बेटा, दो इक्वेशंस मतलब x और y को वैल्यू को निकालना होता है। अब इसके लिए सबसे पहले जो हमने मेथड किया ना वो था बेटा ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ के थ्रू हम x और y की वैल्यूज को निकालते रहे, ठीक है। सेकंड जो मेथड था वो था बेटा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया था, एक इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू निकालते थे और दूसरी वाली में पुट कर देते होते थे, ठीक है। तो एक वेरिएबल का आंसर आ जाता था, फिर उसके बाद x की वैल्यू, जैसे सपोजिंगली x की वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करके हमारी y की वैल्यू आ जाती होती थी, ठीक है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब लास्ट मेथड ऑफ योर सिलेबस बेटा व्हिच इज एलिमिनेशन। अभी एलिमिनेशन, अब तुमने वैसे नाम से क्या समझ आ रहा है, एलिमिनेट करना मतलब उसको निकालना, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे, x या फिर y दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एलिमिनेट करना मतलब निकालना, जैसे तुमने देखा भी होगा जैसे रियलिटी शोज होते हैं उसमें एलिमिनेशन राउंड आता है, तो एक बच्चा निकल जाता है ना फिर, या जो भी कंटेस्टेंट टाइप, एक कंटेस्टेंट वहां तब आउट हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे या तो हम x को आउट करेंगे या फिर हम y को आउट करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे करते हैं, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3। अभी मैं बेटा एक्सरसाइज वैसे तो स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ तुम्हें एलिमिनेशन समझाने के लिए ये करवा रही हूँ। क्वेश्चन है, सॉल्व द पेयर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने दोनों मेथड से निकालने हैं। अच्छा, तो क्या मेरा आंसर वेरी करेगा, मैंने एलिमिनेशन से निकाला या फिर सब्स्टिट्यूशन से, आंसर वेरी करना चाहिए? नो, नहीं करना चाहिए बेटा। चाहे मैं उसको ग्राफिकली सॉल्व करूं, चाहे बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करूं, चाहे बाय एलिमिनेशन सॉल्व करूं, मेरा आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू अगर 2 आई है ना तो तीनों मेथड से 2 ही आएगी, एंड इन केस y की वैल्यू 3 आई है तो तीनों मेथड से y की वैल्यू 3 ही आएगी, ठीक है। आप जौन सा मर्जी मेथड लगा लो, ठीक। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको इक्वेशंस गिवन है फर्स्ट पार्ट में x + y = 5 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x -3y = 4, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या लगाना है यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड। हम बोलेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड हमारी फर्स्ट इक्वेशन ना बेटा ये है कि x प्लस वाई क्या है 5, दूसरी इक्वेशन है 2x -3y = 4, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 3x 3y आ जाएगा। अब प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा और आगे 15 आएगा, 3 × 5 सबको मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला मल्टी मतलब जैसे ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को, अब तुम सोचो कि 2 से नहीं कर सकते थे, 2 से भी कर सकते थे, मतलब तो मैं दोनों तरीके करके दिखाऊंगा, ठीक है, दोनों ही सही रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 बाय 3। मैंने 3 से क्यों किया, ताकि मेरी इस y वाली जो टर्म है ना, y वाला वेरिएबल है, इसके आगे 3 आ जाए। ये चीज आपको थोड़ी सी जज करनी पड़ेगी इक्वेशंस को देख के, ठीक है। अब फर्स्ट को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटा ये जो 3 से मल्टीप्लाई होगा ना तो सबके साथ होगा, मतलब 3x + 3y = 15। बात समझ आई? अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 3 के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी टर्म्स है, राइट हैंड साइड में जितनी टर्म्स है, सबके साथ वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब इसमें से अगर इन केस एक भी टर्म छूट गई ना, क्वेश्चन ही गलत, ठीक। अच्छा चलो, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x -3y = 4। अब प्लस 3y -3y कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमने यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर दिया, y को, मतलब हमने यहाँ पे इन दोनों को इन शॉर्ट क्या किया, ऐड के सबट्रैक्ट, कैसे सबट्रैक्ट, दोनों को ऐड किया, मैंने साइन चेंज किए, मैंने ऐड करा बेटा, सबट्रैक्ट तब होता है जब मैं यहाँ पे साइन चेंज करती हूँ, समझे बात। मैंने इन दोनों, और वैसे भी अगर सबट्रैक्ट होता तो यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस आना चाहिए था। अगर मैं जैसे सपोजिंगली यहाँ पे ये है 3x + 3y माइनस ये कर देती अगर, तो बेटा यहाँ पे 15 माइनस 4 होता, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो अगर इसको तुम खोलोगे तो तुम्हारा ऐसे नहीं बन जाएगा -2x - +3y, तो ये तो कैंसिल ही नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया इन दोनों को, जब हम साइन चेंज यहाँ पे नहीं करते ना, मतलब वो ऐड होता है, एडिशन होता है, तो मैंने इनको ऐड किया 3x + 2x 5x, 3y - 3y कैंसिल, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया, आ जाएगा आपका 5x = 15 + 4 =
19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 अपॉन 5, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड। अब इस वैल्यू को तुम जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, ठीक है। हमें 1 थोड़ी ज्यादा सिंपल लग रही है तो हम वहां पे पुट करते हैं, ठीक है। पुट इन पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी बेटा 19 upon 5, इस x की जगह क्या आ गया 19 upon 5 plus y is equals to 5, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 5 minus 19 upon 5, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक दिखा है, दिखा है वीडियो, इसे आगे किधर आगे देखो, तो हमारा y की वैल्यू कहाँ पे पहुंची 5 minus 19 upon 5, इसको 1 कर दे, अभी एस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन और न्यूमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 into 5 is 25, बीच में साइन माइनस का, 1 into 19, 19, इतना आंसर आ गया 6 upon 5। और अगर मुझे ये चेक करना है कि वेदर जो मेरा आंसर आया है वो सही है कि नहीं, तो वो मैं कैसे चेक करूंगी इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। हम दोनों इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या हमारा आंसर सही आ भी रहा है कि नहीं, ये आपने खुद मतलब चेक करना है पेपर में मत लिखना। तो यहाँ पे बेटा x plus y था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 by 5 plus 6 by 5 कितना हो जाएगा 25 upon 5 हो जाएगा, आंसर 5 दिया, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं, तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। फिर इसके बाद है 2 into x, x की वैल्यू मतलब कितनी है 19 upon 5 minus 3 into y मतलब कितना है 6 by 5 is equals to 4। अब इनको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 38 upon 5, आना आंसर 4 चाहिए ना, अभी रुक जाओ, ये आ जाएगा 18 upon 5, LCM 5 ऊपर आ गया 38 minus 18, 20 upon 5 कितना आंसर आ गया 4 ही आना चाहिए था, मतलब हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल ठीक है, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को उन्होंने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन से भी करो, एलिमिनेशन मेथड समझ आया, ठीक है। अब इन केस मान लो किसी ने y को ना एलिमिनेट करते हुए x एलिमिनेट किया होता, तो क्या होता, आंसर तो सेम ही आता बट इक्वेशन में थोड़ा सा तो चेंज होता ना बेटा, पहली इक्वेशन ये थी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन थी हमारी 2x minus 3y is equals to 4, मैंने एक्चुअल में क्या किया कोफिशिएंट सेम किए थे y के, 3-3 आ गए थे, अब मैं कोफिशिएंट x के सेम करके देख लेती हूँ, हो सकता है ना मेरा मन कर रहा है कि मैं x के कोफिशिएंट सेम कर दूं, आपने सोचा नहीं मैं y के कर लेते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मान लो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मेरे को x के कोफिशिएंट को सेम करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x plus 2y is equals to 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x minus 3y is equals to 4। अभी कटेगी नहीं, कटिंग नहीं होगी, तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, प्लस था माइनस आ गया, माइनस था तो प्लस आ गया, 2x minus 2x कैंसिल, 2y plus 3y, अब साइन y 3y का क्या है प्लस है, माइनस नहीं है अब प्लस साइन है, तो 2y plus 3y is 5y और 10 plus 4 14, ठीक है। तो y भी डालना, ओ सॉरी इधर भी तो साइन चेंज करना था, इधर प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, और इधर भी तो प्लस था तो क्या आएगा माइनस, तो 10 माइनस 4 इज 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 upon 5। अब इस y की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, ये फर्स्ट वाली में इक्वेशन, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा x plus 6 upon 5 is equals to 5, तो x क्या आ जाएगा 6 upon 5 उधर जाके माइनस, अब नीचे मल्टीप्लिकेशन और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 25 minus 6 आंसर इज 19। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एलिमिनेशन की भी मतलब दो वो टाइप होगी कि तुम x को भी कैंसिल कर सकते हो और तुम y को भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अगर हमें x को कैंसिल करना था तो मैंने देखा 2x 2x तो 4x हो जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया साइन चेंज, अब साइन चेंज करने तो तीनों के करने हैं, मतलब जितने भी वेरिएबल्स या जितने भी यहाँ पे टर्म्स होंगे सबके तुमने साइन चेंज करने हैं, किसी एक के भी रह गए तो आंसर गलत हो जाना, क्लियर, एनी डाउट। अब हम आगे कंटिन्यू कर लें एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट बेटा, इसमें आपको इक्वेशंस गिवन है 3x plus 4y is equals to 10 and second equation is 2x minus 2y is equals to 2, ये दो इक्वेशंस गिवन है, बताओ क्या समझ आता है, किससे मल्टीप्लाई करें इसको,
था हम इसको कर देंगे बेटा टू से ताकि थ्री इंटू टू सिक्स हो जाए और इसको कर देंगे थ्री से ताकि टू इंटू थ्री सिक्स हो जाए। ये तब लगेगा जब मेरे को x एलिमिनेट करना है, बट अभी फिलहाल के लिए हमें इजी लग रहा है y इजीली एलिमिनेट हो जाएगा तो उससे कर देते हैं। ठीक है, समझ आई बात? चलो अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय दिस इज वन एंड टू बाय टू, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ इस इक्वेशन को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 2 into 2 4 minus 2 into 2 minus 4 and 2 into 2 again 4। अब मेरे को यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत है? नो, ये कैंसिल, minus 4y plus 4y 3x plus is equal to 10 plus 4। अब 7 इधर आके डिवाइड, तो x का आंसर कितना आ गया 2। अब इस x की वैल्यू को चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में, ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा 3 into 2 plus 4y is equals to 10, तो ये बन गया बेटा 6 plus 4y is equals to 10, 4y is equals to क्या आ जाएगा 10 minus 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 upon 4 कट के आंसर 1, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। अब इस क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, तो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट एक में करवा देती हूँ जस्ट टू रिकैप इट, उसके बाद वाले सारे पार्ट्स आप सब्स्टिट्यूशन वाले खुद करोगे, ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ, नहीं होते तो वी डिस्कस बेटा, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया हमारा विच मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ये कौन सा मेथड हो गया, एलिमिनेशन। अब नेक्स्ट मेथड पे आ जाओ विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या सीखा था कि x की वैल्यू x या फिर y की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल लेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी पहली इक्वेशन होगी 3x plus 4y is equals to 10 और दूसरी है 2x minus 2y is equals to 2, तो मैं यहाँ से ये इंप्लाई कर दूँ तो 2x is equals to 2 plus 2y आ गया, 2y उधर जाने क्या हो गया प्लस, मतलब मैं सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालने लगूँ, ठीक है, तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा फिर डिवाइड। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 2 को कैंसिल कर दूँ, कौन कहता है यस कर दो, no we can't cancel that beta। ab jaise suppose karo 1 plus 2 upon 2 hum isko cut karke answer 1 likh sakte hain kya, nahi hum iska answer kya likhte hain, hum iska answer likhte hain 3 upon 2, jab tak ki upar numerator ya fir denominator mein hum add wala kaam nahi na kar lete beta, division nahi karenge, ठीक है, फ्रैक्शन में ये रूल है। अब यहाँ पे जब तक ये ऐड नहीं होगा ये 2 और 2 कैंसिल नहीं होंगे, अब ये दोनों तो ऐड होने से रहे, बट मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, बिल्कुल, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस y अपॉन 2, बिकॉज बेटा यहाँ से 2 गया तो फिर कॉमन फैक्टर क्या बचेगा 1, इधर से 2 गया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा y, ये 2 और 2 अब कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज़ ये मल्टीप्लिकेशन में है, फॉर एग्जांपल बेटा अगर 3 into 2 upon 2 होता है वो कट के आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा, क्लियर, तो मेरी x इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू बन गई 1 plus y। अब कहां से निकाली है, सेकंड से पुट कहां करेंगे 1 में, अब इसको ऐसे करो इसमें इक्वेशन नंबर 3 ले लो बिकॉज़ तुम्हारी 1 and 2 बेटा ऑलरेडी यूज्ड है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो 3 into 1 plus y is equals plus 4y, ये x की जगह क्या आ गया 1 plus y आ गया, मैंने पुट कर दिया, is equals to आ गया 10, यहाँ पे क्या बनेगा 3 plus 3y plus 4y is equals to 10, ये 3 उधर जाके क्या आ जाएगा minus 3y plus 4y 7y, ये आंसर 10 minus 3 कर दो, तो 10 minus 3 is 7, अब 7 इधर आके divide, but ये आंसर कितना आ गया 12, देखिए हमारा आंसर मैच हुआ है, बिल्कुल yes, मेरी y की वैल्यू दोनों केस में क्या आई है 1, और x की वैल्यू निकालते हैं, put in equation number 3, तो ये बन जाएगा 3x plus 4 into 1 is equals to 10, तो 3x plus 4 is equals to 10, 4 इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा minus, तो आ जाएगा 6, 10 minus 4 बनेगा ना यहाँ पे, तो कितना आ गया 6, अब 3 इधर आके divide, तो x की वैल्यू
देख लो x एंड 2 और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 मैच कर गया ना ठीक है तो थोड़ी सी रीकैप होगी तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन मेथड की एंड इन केस किसी ने सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा मिस किया होगा तो प्लीज पहले पिछली वीडियो देखो ठीक है तो ही समझ आएगा नोट इट डाउन चलो नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट 3x - 5y - 4 = 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है 9x = 2y + 7 ठीक है अब हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं कि हमारा यहाँ से क्या इंप्लाई होता है कि 3x - 4y = 4 हम इसको राइट हैंड साइड पे लेंगे कांस्टेंट को और यहाँ से बेटा मेरे को 2y को कहाँ लाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा वेरी गुड तो यहाँ पे बन जाएगा 9x - 2y = 7 अब क्या करें हम फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल सही तो क्यों 3 से क्यों किया 9x यस इधर 9x पड़ा है इधर क्या है 3x तो मैं क्या करूंगी इसको मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये भी क्या बन जाएगा 9x वेरी गुड तो हम यहां पे लिख रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 तो यहां पे क्या बन जाएगा 3x into 3x is 9x 3 into 5 15 और 3 into 4 12 बेटा इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना कि सबके साथ मल्टीप्लाई हो नहीं तो बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक से तुम्हारे सारे क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा 9x - 2y = 7 अब हमें इसको ऐड करना बिल्कुल हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे दोनों के साइन क्या है पॉजिटिव ये कैंसिल कर दिया और सॉरी ये इस पॉजिटिव का माइनस कर दिया नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो ठीक है चलो 9x - 9x कैंसिल -15 + 2y अब 2y का साइन जो है ना वो प्लस है तो यहाँ पे -15 + 2 कितना आंसर आ जाएगा -13 बिकॉज प्लस माइनस माइनस 15 - 2 किया था 3 आ गया साइन आता है बड़े नंबर का चलो अब 12 - 7 = 5 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन -13 जिसको हम क्या लिख देंगे -5/13 अब इसकी वैल्यू किस में पुट कर दो आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो ठीक है हम सेकंड में पुट कर दो पुट इन इक्वेशन 2 तो बेटा आपका क्या बन जाएगा 9x - 2 × y की वैल्यू कितनी है -5/13 = 7 ठीक है तो ये बन गया 9x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 × 5 = 10 अब ये पूरा नंबर मतलब रैशनल फॉर्म में है ये प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ठीक है अब मैंने तुम्हें मेथड क्या बताया होगा नीचे मल्टीप्लिकेशन एंड ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 7 × 13 = 91 - 10 9x = कितना आ गया 81/13 अब ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई तो ये उधर जाके डिवाइड मतलब ये कहां जाएगा नीचे 13 × 9 या फिर आप इसको ऐसे भी अगर अपन करें ना देसी भाषा में लेमैन लैंग्वेज में बेटा ये यहां पे अभी x के साथ ऊपर बैठा हुआ है तो ये कहां जाएगा नीचे समझ आ गई बात तो यहाँ पे कटिंग कर दी इसका आंसर आ गया 9 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13 ठीक है ये वाला जो मेथड था ये कौन सा था बाय एलिमिनेशन मेथड अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड इज योर होमवर्क ट्राई इट योरसेल्फ कहीं पे भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क ठीक है लास्ट फोर्थ पार्ट x/2 + 2y/3 = -1 सेकेंड इक्वेशन है बेटा x - y/3 = 2 ठीक है अच्छा अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा एलसीएम सबसे पहले एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन हटानी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पे क्या रूल जाएगा डिनोमिनेटर में 2 × 3 = 6 एंड ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × x + 2 × 4y = -1 अब ये 6 होता जाती क्या आंसर क्या है तो 3x + 4y = क्या आ गया -6 अब इधर जब हम एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे नीचे मल्टीप्लिकेशन 3 × 1 = 3 एंड ऊपर हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × x = 3x = 2 ठीक है तो हमारा बेटा यहां से अब 3 इधर डिवाइड हो रहा तो उधर जाके हमारी ये दो इक्वेशंस बन गई अब तुम्हें अब मतलब यहां पे So, हमारी क्या इक्वेशन बनती है 3x + 4y = -6 दूसरी है बेटा ये तो तुम्हें लगता है हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है किसी से नो कोएफिशिएंट सेम बनने पड़ेंगे ठीक है सीधे क्या करो इसको सबट्रैक्ट
मतलब इन शॉर्ट इसके क्या होंगे साइन चेंज, बिकॉज दोनों में आगे प्लस का साइन है। ठीक है, अब 3x माइनस 3x कैंसिल, 4y प्लस 5, 5y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 15, माइनस 6 माइनस 9 इज माइनस 15। तो y की क्या वैल्यू आ गई बेटा माइनस 3, y की क्या वैल्यू आ गई माइनस 3। अब ये वैल्यू कहाँ पुट होगी, जिस मर्जी में चाहे ये वाले पार्ट्स में पुट कर लो, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है चाहे इनमें पुट कर लो चाहे बेटा इनमें कर लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर दूँ पुट इन 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3x माइनस y की वैल्यू है बेटा माइनस 3। अब ध्यान रखना, देखो पहले 3x था वो लिख दिया, पहले 3x था वो लिख दिया, फिर है माइनस वो लिख दिया, फिर y की वैल्यू आई माइनस 3 वो लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस स्किप ना कर देना, ये वाला माइनस ये पड़ा हुआ है और y की वैल्यू माइनस 3 है वो की है। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया बेटा 9, तो 3x इज 3x माइनस माइनस हो गया प्लस इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 3 6, तो ये 3 आके डिवाइड, तो x की वैल्यू 2। क्या हम चेक करें कि यहाँ पे हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, चलो एक बार चेक करते हैं। अब चेकिंग के लिए भी चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें, ये वाली फॉर्म्स में कर लो चाहे ये वाली फॉर्म्स में, दोनों ही आंसर सही था। ठीक है, अभी हम इसमें पुट करके देखते हैं हमारी क्वेश्चन क्या है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3, आंसर क्या आना चाहिए माइनस 1। देखते हैं, x की वैल्यू 2 थी तो 2 अपॉन 2 होगी प्लस 2 इंटू y की वैल्यू माइनस 3 थी। अब 2 इंटू ये 2 अपॉन 2 कट के आंसर कितना आ गया 1, ये 3 और 3 कट के आंसर कितना आएगा माइनस आएगा माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा मतलब आपका बेटा ऐसे बनेगा, तो 1 माइनस 2 आंसर इज माइनस 1। सही है बिल्कुल। नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू आंसर कितना आना चाहिए 3। अब x की वैल्यू है 2 माइनस y की वैल्यू है माइनस 3, माइनस 3 अपॉन 3 कट गया आंसर कितना बचा माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 आंसर 3। ठीक है, 3 आना चाहिए था, 3 ही आया, मतलब हमारे आंसर्स क्या है बिल्कुल करेक्ट है। आप सिर्फ हार्डली 1 मिनट लगा के अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो कि जो भी मैंने निकाला है x और y की वैल्यू क्या वो दोनों इक्वेशंस, नॉट अ सिंगल इक्वेशन, एक को नहीं दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन है ये इन दोनों इक्वेशंस का। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट बेटा?